हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो यार, आज हम जाने वाले हैं दादर, क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था। मम्मी को थोड़ा पेन था, तो उसकी वजह से किसी ने एक हॉस्पिटल सजेस्ट किया था, तो हम आज उधर जाने वाले हैं। तो फिर अभी मेरे घर से यार ज़्यादा दूर तो नहीं है, स्टेशन बस 5 मिनट के मौजूद है, तो फिर चलते वहाँ पे। और बट उसके पहले यार निकालते थोड़ा कैश, क्योंकि मेरे पास जीपे और फोनपे ही रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यार टैक्सी ऑटो वाले के पास ऐसा कुछ नहीं रहता, और हमें पता कब चलता है, जब हम उतरते। तो इसकी वजह से पहले कैश निकालते, उसके बाद फिर चलते। तो फाइनली यार हमें टिकट भी मिल चुका है, और हमने कैश भी फाइनली निकाल चुके हैं। अभी मैं हूँ थाने स्टेशन पे, पीछे देखो ये सेल्फ टिकट, इधर यार कितना पीछे लाइन है ना, इधर देखो इतना पीछे लाइन है। उससे अच्छा तो इधर हम लोग टिकट ले सकते हैं जस्ट 30 सेकेंड्स में। तो मैंने इधर से टिकट ले लिया है, और फिर अभी तो ट्रेन लगी ही रहेगी यार, ट्रेन लगी ही रहती है। तो फिर चलते, मिलते फिर दादर स्टेशन। बाय भाई। मैंने अभी एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ देखी, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे CST की ट्रेन लगी है, जो कि मेल आती है यार इधर। इन लाइफ मेरे फुल टाइम लाइफ में यार पहली बार हुआ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लोकल ट्रेन आई हो यार। बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, आज का दिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। आज मुझे इतना रश भी नहीं दिख रहा है यार, मतलब सब खाली खाली है। उल्टा तो मैंने टिकट भी ले लिया है, रोज़ भी लेता हूँ यार, बट आज कुछ मतलब अजीब सा लग रहा है इधर आके। प्लेटफॉर्म नंबर 7 लोकल ट्रेन पकड़ेंगे, खतरनाक, जो कि मैं गांव जाने के लिए इधर से पकड़ता था यार। थाने स्टेशन बहुत बड़ा है, 11 प्लेटफॉर्म से। ब्रो बहुत ही खतरनाक सीन हो गया यार, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे ट्रेन आई है और सब इधर भाग दौड़ कर रहे, मतलब इधर। और ट्रेन आई भी किधर से, CST से, और लास्ट स्टॉप थाने था यार। एकदम पूरा मैं तो शॉक में आ गया कि ट्रेन जाएगी किधर। ये देखो इधर पूरा ये लगेज, इधर मेल ट्रेन आती है यार, फर्स्ट टाइम लोकल ट्रेन आ चुकी है दादर। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा ट्रेन में रश था, तो इस वजह से पूरा यार चटनी बन चुकी थी मेरी। बट अभी मैं पहुँच चुका हूँ थाने, अभी तो फिर जाना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का भी आपको दिखा देता हूँ, फिर चलते फिर। गाइस फाइनली पहुंच गए यार हम लोग हॉस्पिटल। तो मेरे पीछे एक पूरा हॉस्पिटल है यार, मैं जाते हूँ तो आपको पूरा पीछे का व्यू दिखा दूंगा, बट अभी हो रहा है मुझे लेट, तो इस वजह से इतना अभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बट जितना होगा अंदर का मैं दिखा दूंगा आपको। तो फिर लेते यार अभी रिसिप्ट लेते, उसके बाद जाते। तो यार हम लोग गए थे इधर रिसिप्ट लेने, बट यार अभी पता चल रहा है कि हमने पूरा सफिशेंट पैसे निकाल लिए थे यार, उसके बाद भी फिर बोल रहे हैं कि मतलब इससे नहीं, इतना ज़्यादा लग गया। तो फिर यार जाना पड़ेगा, अभी ढूंढना पड़ेगा ATM, शायद से हॉस्पिटल में ATM रहेगा, तो उधर से फिर से कैश विड्रॉ करते। यार बहुत बड़ी लाइन थी रिसिप्ट लेने के लिए, फिर से लाइन लगाना पड़ेगा यार, देखता हूँ कुछ करते लाइन। तो मतलब अभी एक बार तो लाइन लगाया था, उधर तक पहुँचने में आधा घंटा चला गया। फिर से पेमेंट भरो, और फिर से लाइन लगा के पेमेंट भरो यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखते अभी, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। बहुत अच्छा हुआ यार, क्योंकि लाइन नहीं लगाना पड़ा। मैं उन लोगों को बोल दिया था कि अभी जस्ट लाइन लगाया था यार, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने विड्रॉ करने गया था, तो पीछे वाले लोग मान गए। तो बहुत अच्छा हुआ, अभी मैंने रिसिप्ट ले लिया है, फिर सब कुछ पेड कर दिया है। तो अभी जाते यार फिर मम्मी के पास, उनको देते ये सब। और अभी मुझे जाना है कॉलेज भी, ID कार्ड इशू कराना है, तो देखते उधर लेट नहीं हुआ तो यार हो जाएगा आज काम, अभी तो कॉलेज स्टार्ट भी नहीं हुआ है, देखते फिर। तो मैं यार ऐसे ही बैठा था, क्योंकि मम्मी का अभी कम से कम 10-15 नंबर आगे है, तो मतलब अभी 10-15 कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे उनको, 10-15 नंबर और भी है उनका। तो अभी मैं सोचा तो यार तब तक आपको दिखा देते इधर का व्यू, और इधर गेट नंबर 2 से हम लोग एंट्री करते और आगे चलते फिर दिखाते। इधर यार हर एक गेट पे सिक्योरिटी के लिए, चेकअप के लिए लगा हुआ है। इधर भी गेट नंबर 2 पे देखिए, इधर चेक पोस्ट है, और इधर से पीछे से पूरा हॉस्पिटल है यार। हॉस्पिटल मतलब कम से कम 2 किलोमीटर अंदर है, 2 किलोमीटर में है, फैला हुआ है पूरा। तो इधर यार दवा की दुकान भी है, वो साइड देखो डिस्पेंसरी है। बट इधर का स्पेशल ये चीज़ है कि मतलब इधर आपको दवा और ये सब चीज़ के लिए, दवा के लिए तो पैसे नहीं देने पड़ते, बट ट्रीटमेंट के लिए है, बहुत बहुत कम है। किसी किसी के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बट इतना भी नहीं है। मेरा कुछ 1000 रुपीज़ ही लगा है एक चेकअप करना था। और इधर देखो ये जो गेट नंबर 2 से जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, तो आपको इधर ये 16 नंबर है, 16 नंबर से आपको एक रिसिप्ट लेना पड़ेगा, और उधर चले पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप वो लेके जाके, आप पहले आप आओगे ना फर्स्ट टाइम आपको OPD ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर से आपको रेफरेंस देंगे, जैसे आपको जिधर जाना रहेगा उधर का। अभी मैं दो गेट नंबर
अभी मैं गेट नंबर 2 से एंट्री कर चुका हूँ और ये देखो पीछे ये गेट नंबर 2 है और इधर यार हॉस्पिटल प्लस कॉलेजेस भी है, मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं ना सेकेंड ईयर से, पहला साल तो उनका ट्रेनिंग और ये सब रहता है, तो इसकी वजह से पहला साल जो रहता है ना वो दूसरी जगह रहता है, बट इधर से जो उनका एक्चुअल एजुकेशन स्टार्ट होता है ना वो सेकेंड ईयर से होता है, और इधर हॉस्पिटल प्लस कॉलेज भी है तो इधर इनका प्रैक्टिकल भी हो जाता है। हॉस्टल इधर ही है, मैं आपको हॉस्टल दिखाता हूँ, ये देखो ये उनका हॉस्पिटल हॉस्टल है, इधर से जाएंगे ना तो हॉस्टल भी बहुत बड़ा है यार, कम से कम 2-3 thousand तक रूम्स रहेंगे उधर, और प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत अच्छा बना है, और इधर कैंटीन भी है, मैं आपको डिस्पेंसरी दिखाता हूँ और इधर का कैंटीन दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये जो पीछे है ना ऐसा कवर किया हुआ है ब्लू कलर से, वो डिस्पेंसरी है, और मेरे ये साइड में ये कैंटीन है पूरा। और अगर जो आपको एडमिशन लेना रहे, मतलब इनफैक्ट आपको तो पता रहेगा यार अगर जो मेडिकल स्टूडेंट रहोगे, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, इधर आपको इधर हॉस्टल भी है और इधर आपको एडमिशन ले सकते हो, बट मेन एंट्रेंस पे जो गेट नंबर 3 है उधर पूरा एप्लीकेशन भर के पूरा फीस उधर सबमिट किया जाता है यार, बहुत बड़ी लाइन रहती है। स्टार्टिंग में तो मैं फर्स्ट टाइम आया था तो बहुत ज़्यादा लाइन था, और इधर हॉस्पिटल है और जूनियर ये भी है ना, मेडिकल कॉलेज भी है, तो इसकी वजह से इसका कैंपस भी है यार, इधर खेलते भी है डॉक्टर्स, मतलब मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में बोले हैं कि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो हर जगह यार वही चीज़ प्रमोट करते हैं, मतलब मैं खुद एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। इधर देखो मेरे पीछे 2 number गेट से एंट्री करोगे तो सीधे स्ट्रेट आओगे ना तो उधर डिस्पेंसरी रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड कॉलेजेस रहते हैं। मेरे पीछे ये पूरा ये स्टेडियम है, स्टेडियम नहीं है, पूरा कोर्ट बना हुआ है क्रिकेट के लिए, डॉच बॉल के लिए, फुटबॉल के लिए। अभी इधर से तो मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स है तो हर चीज़ डिवाइड की हुई है, और मेन चीज़ ये है कि यार इधर बोर्ड भी है, सिंबल है, जिधर हर एक चीज़ को पूरे नंबर्स में डिवाइडेड किया गया है, मतलब ये नंबर क्या है और वो नंबर क्या है। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बोर्ड दिखाता हूँ जिसपे मतलब एक बिल्डिंग की पूरे बिल्डिंग में ये क्या क्या चीज़ें हैं इस बिल्डिंग में वो लिखा हुआ है, तो उसे यार ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ढूंढने में यार मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं भी ढूंढने में बहुत ज़्यादा ये हो गया था, मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा था यार है किधर, ओपीडी किधर है, ये किधर है, पुरानी बिल्डिंग किधर है, नई बिल्डिंग किधर है। ये देखो यार ये लोग खेल रहे हैं इधर, ये देखो इधर बास्केटबॉल का कोर्ट है यार, क्या ही सही बना है, मतलब हॉस्पिटल और उसके अंदर बास्केटबॉल का कोर्ट, और वो भी कोटेड है यार, पूरा जो नीचे का सरफेस है वो पूरा कोटेड है। तो यार मैं अभी आ चुका हूँ, ये देखो पीछे पूरा ये है, और मैं अभी हॉस्पिटल के अंदर आ चुका हूँ। अभी इधर से हर एक वार्ड डिवाइडेड है यार, मतलब जहाँ आपको जाना है ना तो उसके कनेक्टेड एक बोर्ड रहता है, मैं एग्जिट करते वक्त आपको दिखाऊंगा वो बोर्ड आपको दिखाऊंगा, बट इधर देखो यार हर एक हॉस्पिटल के अलावा एक जगह से घुसोगे ना तो पूरे हॉस्पिटल में घूम सकते हो। अभी मैं पीछे रास्ते से मैं पूरा आगे सेकेंड नंबर से एंट्री लिया और पूरा उधर से घूम के एग्जिट से जो पीछे रहते हैं ना उधर से एंट्री लिया, उसके बाद फिर मैं आया सामने का हॉस्पिटल में जिधर मुझे जाना था। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं यार जो कि मतलब खुद का पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं उठा पाते, तो इसके लिए ये हॉस्पिटल मतलब बहुत बेटर है। अगर जो कुछ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना हो, हमें तो यार बस एक ही चेकअप करना था और इधर डॉक्टर मतलब वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट डॉक्टर्स रहते हैं, तो किसी ने सजेस्ट किया था तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। इधर जो पीछे यार इधर मेस है, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री है सब कुछ खाना, मतलब कुछ आपको एक्सपेंसेस इधर लॉन्ग टर्म के लिए रहते हो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्पेंसरी भी, मेडिसिन भी इधर मिलती है, फूड भी मिलता है, हर एक चीज़ तो मिलता है आपको, बेड वेड सब मिलता है, बट जो ये रहते हैं ना उनको कुछ नहीं, मतलब इधर ऐसे लोग जो पेशेंट के साथ आते हैं उनको ये सब मतलब उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यार इतना सबके लिए तो ये दे नहीं सकते, स्पेशल ट्रीटमेंट्स तो नहीं दे सकते, फिर भी ठीक है। इधर से देखो एक और एग्जिट है इधर से, मतलब यार हर जगह गेट ही गेट है। ये देखो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ यार दादर स्टेशन पे, तो मुझे अभी कॉलेज में जाना है, तो इस वजह से तो यार वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इस वजह से मज़ा नहीं आएगा, तो फिर आप कॉलेज का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना, बाय।